Hello friends, welcome to the desk Deva English Spoken Classes. Please do watch this channel. By watching this channel, you can surely learn English. Thank you. Friends, ये रहा पिछली क्लासेज में दिए गए सेंटेंसेज के आंसर. आप अपने बनाए हुए आंसर से इसे टैली कर लेना, ठीक है फ्रेंड. कर्म पर विश्वास करने वाले कभी किस्मत को दोष नहीं देते, बल्कि जब अच्छा हो तो कहते हैं कि सब कुदरत का रहमो करम है, और जब बुरा हो तो कहते हैं मेरी गलती थी. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेस्क देवा इंग्लिश स्पोकन क्लास. फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेल ना? आई एम ऑल्सो वेरी वेल. फ्रेंड्स, ज़्यादा देर नहीं करेंगे हम आज, और आज की क्लास शुरू करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे. फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में मैंने आपको शुड मस्ट और टू का पास्ट पढ़ाया था. मीन्स उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि उसका इस्तेमाल हम किस तरह से और किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं. और मैं जो होमवर्क के लिए सेंटेंसेस देता हूँ उसको भी आप बना ही रहे होंगे, पूरा उम्मीद कर रहा हूँ. और आज हम सीखेंगे लेट, यूज़ ऑफ लेट. लेट का इस्तेमाल हम कब करते हैं, किस तरह के सेंटेंसेस के लिए करते हैं, किन परिस्थितियों में करते हैं, ठीक है फ्रेंड. तो आइए सीखते हैं. मैंने लिख कर रखा है यूज ऑफ लेट. ने दो मीन्स जब भी सेंटेंस के अंत में, जब भी सेंटेंस के अंत में वर्ब के साथ ने दो रहे तो उस सेंटेंस को हम ने दो मीन्स लेट से बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड. जैसे मुझे जाने दो, उसे आने दो, उन लोगों को खेलने दो, राधा को नाचने दो, सब में ने दो आएगा. ने दो आए तो आप समझ लेना कि ये लेट से बनने वाला सेंटेंसेस है, ठीक है फ्रेंड. हम कुछ सेंटेंसेस के द्वारा समझते हैं. और सबसे पहले मेकिंग फार्मूला. तो मेकिंग फार्मूला में सबसे पहले लेट का इस्तेमाल होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर अदर्स. जैसे मुझे जाने दो, तो मुझे जाने दो में सबसे पहले हमने लेट लिखा, उसके बाद ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? यहाँ पर ऑब्जेक्ट मुझे है, मुझे इज द ऑब्जेक्ट. जो सेंटेंस की शुरुआत में आ रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है. और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का या मुझे का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे. मीन्स यहाँ पर जैसे लेट मी गो, मी इज द ऑब्जेक्टिव फॉर्म. मीन्स कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आई लगा देते हैं. जैसे उसे आने दो तो ही लगा देते हैं, ऐसा नहीं होगा. या हीज लगा देते हैं तो ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा मी, हिम, हर, देम, अस, इस तरह से होगा, ठीक है फ्रेंड. आइए दूसरा सेंटेंस. उसे गीत गाने दो, तो लेट हिम सिंग अ सॉन्ग, ठीक है फ्रेंड. आप ये पहचान का नियम है सेंटेंस को हम कैसे पहचानते हैं, और ये बनाने का नियम है सेंटेंस को हम बनाते कैसे हैं. फिर उदाहरण के लिए हमको, मैंने आपको कुछ दो सेंटेंसेस दिया है, इसको आप लिख लेना अच्छी तरह से और समझ लेना. मैं इसको मिटा रहा हूँ. अभी हम इसका नेगेटिव नेगेटिव सीखेंगे. नेगेटिव में लेट प्लस नॉट प्लस टू प्लस वर्ब प्लस अदर्स. जैसे उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो. तो इसमें हम फ्रेंड, मैंने एक ही फार्मूला लिखा है, एक दूसरा फार्मूला भी है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी मैं लिख देता हूँ. अभी पहले इसको हम बना लेते हैं. लेट हिम नॉट टू गो, ठीक है फ्रेंड. दूसरा फार्मूला इसका क्या है कि डोंट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स. यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट लिखना भूल गया हूँ. यहाँ पर ऑब्जेक्ट आप लिख देना. यहाँ पर ऑब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड. फिर प्लस,
तो ये दूसरा फॉर्मूला से हम इसको बनाते हैं, डोंट लेट हिम गो। जैसे उन लोगों को वहाँ मत खेलने दो। तो हम दूसरा फॉर्मूला बना रहे हैं इसमें, डोंट लेट देम प्ले देयर। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारा सेंटेंसेज और मेकिंग फार्मूला जो है आप लिख लो, ये मेकिंग फार्मूला नंबर वन और ये मेकिंग फार्मूला नंबर टू, और इसमें सबके साथ डोंट लगाना है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि डजंट कहाँ लगेगा और डोंट कहाँ लगेगा। इसमें किसी के भी साथ डज नहीं लगता, डोंट लगता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आप लिख लो अच्छी तरह से, सेंटेंस को आप समझ लो, फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलो अभी हम इसका इंट्रोगेटिव लेंगे। इंट्रोगेटिव में इसका ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जैसे क्या मैं उसे जाने दूँ, उसे जाने दूँ, क्या मैं उसे जाने दूँ, या इंट्रोगेटिव में हम बोल रहे हैं, तो डू आई लेट हिम गो, क्या मैं उसे आने दूं, डू आई लेट हिम कम, इस तरह के। अगर इसमें नेगेटिव होगा कि क्या मैं उसे नहीं जाने दूं, तो डोंट आई लेट हिम को, या डू आई नॉट लेट हिम को, डू आई नॉट लेट हिम कम, इस तरह से होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा लेट आज का। ये लेट का इस्तेमाल हम कब कहाँ कैसे करते हैं, ये था आज का। ठीक है फ्रेंड, तो ये था हमारा आज का क्लास, यूज़ ऑफ लेट। ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आप जो भी हम लास्ट में क्लास के एंडिंग में जो सेंटेंसेस देंगे उसको आप अभ्यास कर लेना, और भी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, और फ्रेंड्स जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और रोज़ का हमारा क्लास अटेंड कर रहे हैं, उन दोस्तों को दिल से शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और हमारा वीडियो रोज़ का देख रहे हैं, उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड, काफ़ी लोगों ने सब्सक्राइब किया बट बेल आइकन को क्लिक नहीं किया उन्होंने, और उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज करते हैं कि सर वीडियो नंबर 7 भेजो, वीडियो नंबर 18 भेजो। तो उनको, उन दोस्तों को मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्त मेरे चैनल पर जाओ, मेरे चैनल पर विजिट करो, वहाँ पर आपको 0 से लेके अभी तक जितना भी वीडियो डाला गया है सारे के सारे वीडियो आपको मिलेंगे वहाँ पर, और आप वहाँ पर जाकर देखो। ठीक है फ्रेंड, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। फ्रेंड्स ये रहा आज के लिए आपका होमवर्क, आप इन सेंटेंसेज को अच्छी तरह से समझ कर बना लेना। ठीक है फ्रेंड, ओके बाय।